देवियों और सज्जनों, हम है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के पड़ाव नंबर 4 पर। तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज कैसे लग रहे हैं? आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और फंडामेंटल क्लियर हो रहे हैं, और जो कॉन्फिडेंस एक आपको रिक्वायर्ड था कि किस तरह के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू हो सकते हैं, शायद दीज लेक्चर्स विल हेल्प यू आउट हाउ टू सॉल्व ऑल दीज पॉइंट्स। तो देवी और सज्जनों, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, और आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। डिंग आया स्क्रीन पर, देखो ध्यान से। सर, क्वेश्चन नंबर 4, केस बेस्ड एमसीक्यू ऑन रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, मेसर्स योगी एंड सन्स अनलिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, क्या? जिन्होंने लेक्चर्स देखे मेरे, शायद याद आ रहा है योगी सर, आपके फेस टू फेस बैचेस को मैं अभी भी मिस करता हूँ। मेसर्स योगी एंड सन्स अनलिमिटेड पर प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है पर सन्स अनलिमिटेड, माहौल जबरदस्त। योगी एंड सन्स अनलिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड हैज कमेंस्ड इट्स बिजनेस फ्रॉम 1st of April 2020। साहब, लॉकडाउन में बिजनेस शुरू किया भाई साहब ने, अब लिंक मत करना प्लीज सारी बातों को। इट इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टू प्रोडक्ट्स विज ए एंड बी, टू प्रोडक्ट ए और बी मैन्युफैक्चर कर रहा बेटा। ये ए इज टैक्सेबल व्हाइल बी इज एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी, ए टैक्सेबल है और बी एग्जम्प्ट है। लॉकडाउन में भाई साहब ने बिजनेस शुरू किया, योगी एंड सन्स अनलिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ने, और टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए, ए टैक्सेबल है बी एग्जम्प्ट है। हिज फैक्ट्री इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ओ हो हो माहौल है सर पढ़ाई का। ओके सर, ही इज ऑल्सो एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम अ स्टोर नेम्ड इज बेवड़ो का ठिकाना, क्या? बेवड़ो का ठिकाना। ये योगी जबरदस्त है सर। ही इज ऑल्सो एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन दारू फ्रॉम अ स्टोर नेम्ड इज बेवड़ो का ठिकाना, जबरदस्त। लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, ओहो ये बेवड़ो का ठिकाना कहाँ है बेटा? नागालैंड में है। एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, नॉट लेवेबल टू जीएसटी है, और हाँ नागालैंड में बेटा ये, क्लियर सर। ही इज एक्सपेक्टेड टर्न ओवर इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई इज एज अंडर, सिंस इसने 1st अप्रैल को बिजनेस शुरू किया है, और सर इसका एक्सपेक्टेड टर्न ओवर अप्रैल मई का दे रखा है, ए का बी का और एल्कोहल लिकर का आप देख लो। बेवड़ो के ठेके पर साहब, बेवड़ो के ठिकाने पर सर सबसे ज़्यादा टर्न ओवर हो रहा है इनका सर। ओके, ए का टर्न ओवर दे रखा है, बी का दे रखा है, एल्कोहल लिकर का दे रखा है। इट इज़ परचेज द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाइज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। ओके साहब, ठीक है, देखते हैं एमसीक्यू नंबर 1 ने क्या पूछा है हमसे। इन विच मंथ लायबिलिटी टू रजिस्टर अंडर जीएसटी विल अराइज, अज्यूम ही इज नॉट मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई, ये कोई इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर रहा है, बताइए इसका लायबिलिटी कब आएगा रजिस्ट्रेशन का अंडर जीएसटी। पहली बात तो ये, इसका एक ब्रांच का है बेटा राजस्थान में, एक ब्रांच का है नागालैंड में, पर और आपको पता है नागालैंड उन 4 स्टेट में है जिसका रजिस्ट्रेशन लिमिट इज ओनली 10 लाख रुपी, पर सर सिंस नागालैंड से ही सप्लाइंग ओनली एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ही इज नॉट सप्लाइंग प्रोडक्ट ए और बी, मतलब ही सप्लाइंग एक्सक्लूसिवली दोज गुड्स विच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी। और आपको पता है अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से ऐसा सप्लाई कर रहे हो विच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी, तो वहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब नागालैंड में यू आर नॉट सपोज टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, यू आर सपोज टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड ओनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, क्लियर। अब सर सिंस आप नागालैंड में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं हो, तो वहां का एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट 10 लाख का जो था वो भी देखने की जरूरत नहीं है सर। तो ऐसे केस में सिंस यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड ओनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो केवल 10 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट विल बी 20 लाख, और 20 लाख का टर्नओवर जब क्रॉस होगा तब आपको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी। अब सर एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है हमको कि एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई भी आता है, एग्जम सप्लाई भी आता है, और एग्जम सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑल्सो, मतलब सर कुल मिला के एग्रीगेट टर्नओवर में प्रोडक्ट ए भी आएगा, बी भी आएगा, एंड
एल्कोलिकर जो दारू आपकी फेवरेट शायद नहीं है, क्लियर, वो भी आएगी। तो सर टर्नओवर तीनों का काउंट करना है, भले वो राजस्थान से हो या सर महाराष्ट्र नहीं नागालैंड से हो, सर टर्नओवर में ऐड होगा बेटा एग्रीगेट टर्नओवर में, पर नागालैंड में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ओके, और 20 लाख का लिमिट देखेंगे इसमें। तो ए का टर्नओवर है अप्रैल मंथ में 4 लाख, अप्रैल मंथ का मैंने देखो पहले आप, क्या अप्रैल मंथ में 20 लाख क्रॉस हुआ क्या बेटा? तो अप्रैल मंथ का टर्नओवर कितना है? 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख, तो 13 लाख हुआ साहब। तो 13 लाख हुआ है अप्रैल मंथ का टर्नओवर, 20 लाख क्रॉस होगा तो रजिस्ट्रेशन कराना है, तो अप्रैल में तो लाइबिलिटी नहीं आ रही है। फिर मई में देखेंगे हम 6 + 4 + 12, तो सर 13 लाख ऑलरेडी हो गया है, उसके बाद 6 + 4 + 12 22 लाख का टर्न ओवर और हो गया इसका, तो ऑब्वियस ही बात है ये भाई साहब 20 लाख क्रॉस कर चुके हैं इन द मंथ ऑफ मई। तो मई मंथ में इसको रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आएगी ओनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो एमसीक्यू नंबर 1 देखिए बेटा, इन विच मंथ लाइबिलिटी टू रजिस्टर अंडर जीएसटी विल अराइज, अज्यूम ही इज नॉट मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई। तो अप्रैल 20 नहीं, गलत आंसर, ए का फर्स्ट वर्ड अप्रैल 20 था छोड़ दो, बी अप्रैल 20 था छोड़ दो, सी देखिए मई 20, यस मई 20, बट आगे क्या लिखा है? बिकॉज इट्स एग्रीगेट टर्न ओवर लिमिट ऑफ ₹20 लाख क्रॉस्ड इन मई 20 एंड ही इज लाइबल टू रजिस्टर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड नागालैंड। नहीं 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 नहीं, ही इज लाइबल टू रजिस्टर ओनली इन राजस्थान, तो डी देखिए भैया, क्योंकि नागालैंड से एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है ये मई 20। सर बहुत सारे लोग हो तो सर आप एग्जाम्पल चेंज करो, मई 2020 याद मत कराओ, मई 2020 जैसे याद आता है, जिनके एग्जाम मई 20 में थे सब टेंशन वापस आ जाता है तो कोई बात नहीं, इग्नोर करें उसको सर, पर आंसर तो मई 2020 आएगा। सर डी मई 2020, बिकॉज इट्स एग्रीगेट टर्न ओवर लिमिट ऑफ ₹20 लाख क्रॉस्ड इन मई 2020 एंड ही इज लाइबल टू रजिस्टर ओनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सर डी इज द करेक्ट आंसर, यस आप बन गए करोड़पति, बहुत शानदार। तो सर आइए हम बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। ओके, 2 क्या बोलता है साहब? कैन इट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम व्हेन इट गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड जीएसटी? जब ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तब क्या कंपोजिशन स्कीम ले सकता है क्या बच्चों? कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, पर आपको पता है 1.5 करोड़ का लिमिट है प्रीवियस ईयर का, सिंस करंट ईयर में नया बिजनेस शुरू किया एलिजिबल तो है, पर एक कंडीशन है सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 में, कंडीशन क्या है? यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स विच आर नॉट लेवियबल टू जीएसटी। और आपको पता है क्या? एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, याद आया? घूम लो और झूम लो, है ना सर? वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एक एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दीज आर नॉट लेवियबल टू जीएसटी, और अगर आप इन गुड्स को सप्लाई करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। और सर अगर आपका एक ब्रांच भी कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं, तो आप पूरे पेन पूरे इंडिया में सेम पेन पर जितनी भी ब्रांच है कोई भी कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगी, सिंस ये एल्कोहल लिकर सप्लाई कर रहा है सेम पेन नंबर से नागालैंड में, इसलिए दिस पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो सर नो इज द करेक्ट आंसर। तो सर ए बी सी तीनों में यस लिखा है, छोड़ो डी देखिए क्या लिखा है। इट कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम बिकॉज इट इज एंगेज्ड इन एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, डी इज द परफेक्ट करेक्ट आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर, माहौल जबरदस्त। सर आइए एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम, मजा आ रहा है बेवड़ों के ठिकाने पे, पढ़ने में ध्यान दे। सर इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 5 days व्हेन इट बिकेम लायबल टू रजिस्टर। ओके, हाउ मच अमाउंट ऑफ आईटीसी इट कैन अवेल इन द मंथ ऑफ मई 2020? जिस दिन ये लायबल टू रजिस्टर हुआ उसके 5 दिन के अंदर अंदर इसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लिया, सिंस मई में लायबल हुआ बेटा है, और मई मंथ में इसने 5 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। हाउ मच अमाउंट ऑफ आईटीसी इट कैन अवेल इन द मंथ ऑफ मई 2020? तो इसलिए क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन जो ऊपर दे रखी थी आईटीसी वाली, वो हमें देखना पड़ेगा बेटा। ये देखिए इन्फॉर्मेशन आ गई आपके लिए टॉप पे, इट इज परचेज्ड। देखिए ये क्वेश्चन था बेटा मेन हमारा, क्वेश्चन 4 शुरू हुआ था, इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी आपको टर्नओवर के फिगर के बाद। इट इज परचेज्ड, मिला बेटा आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन। ओके सर देखिए ध्यान से, इट इज परचेज्ड द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई 2020 बेटा। अच्छा फर्स्ट क्या बेटा? जीएसटी पेड ऑन मशीनरी 1 परचेज ऑन 1 अप्रैल, सेकंड है मशीनरी 2 परचेज आफ्टर ही बिकेम लायबल टू रजिस्टर, मशीनरी 3 परचेज आफ्टर ही बिकेम लायबल टू रजिस्टर। ओके देखो तीनों जो इन्फॉर्मेशन दी, अच्छा उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं बेटा, तीनों है मशीनरी के रेस्पेक्ट में, मतलब कैपिटल गुड्स बेटा ये। और आपको पता है अगर आप लायबल टू रजिस्टर थे और विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया, तो भी जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर हुए उससे पहले वाले जो कैपिटल गुड्स आप परचेज कर चुके हो उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा।
तो ऑलरेडी परचेज कर चुके कैपिटल गुड्स, उसका क्रेडिट तो नहीं मिलता बेटा, क्लियर। इनपुट सर्विस की इन्फॉर्मेशन ने कुछ दी नहीं, अच्छा इनपुट सर्विस का भी कुछ नहीं होता, पर इनपुट स्टॉक का क्रेडिट मिलता है, पर इनपुट का तो यह सवाल है ही नहीं बेटा, कैपिटल गुड्स ही दिए इसने केवल। तो जो कैपिटल गुड्स ऑलरेडी परचेज कर चुके हो मई महीने में, छोड़ दो उसको सर। तो मशीनरी वन विच इज परचेज ऑन 1 अप्रैल, इग्नोर, उसका कोई क्रेडिट अब नहीं मिलेगा बेटा आपको, क्योंकि इसने मई में रजिस्ट्रेशन कराया बेटा। मशीनरी टू परचेज्ड आफ्टर ही बिकेम लायबल टू रजिस्टर फॉर राजस्थान फैक्ट्री, 3 लाख रुपए जीएसटी पे किया, ठीक है साहब, ये 3 लाख का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, एक बार आप अवेल कर लेंगे, फिर वो कॉमन का हमारी राजस्थान में, तो रिवर्सल की बात में बेटा हम देखेंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कितना ऐड करना है रिवर्स करने के लिए, पर एक बार 3 लाख अवेल करेंगे। पर मशीनरी थ्री क्या बोलता है, मशीनरी थ्री परचेज आफ्टर ही बिकेम लायबल टू रजिस्टर, ओके, बट फॉर नागालैंड स्टोर। अब नागालैंड स्टोर में क्या मिलता है, ओ बेवड़ो, बेवड़ो का ठिकाना है ना, तो वहाँ दारू बिकती है, दारू पे जीएसटी लगता नहीं बेटा, अब जीएसटी लेवी नहीं होता तो आईटीसी मिलने की बात आती नहीं बेटा, क्लियर। तो सर जो 4 लेख का आपने जीएसटी पे किया है मशीनरी नंबर 3 पे, उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब मशीनरी नंबर 2, केवल मशीनरी नंबर 2 जिसमें 3 लाख रुपये जीएसटी पे किया, उसका आईटीसी आपको मिलेगा साहब, क्लियर। तो एमसीक्यू नंबर 3, इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 5 डेज व्हेन इट बिकेम लायबल टू रजिस्टर, हाउ मच अमाउंट ऑफ आईटीसी इट कैन अवेल इन द मंथ ऑफ मई 2020, तो आंसर क्या है, 3 लाख। सो डी इज द करेक्ट आंसर बेटा, माहौल जबरदस्त शानदार, आई होप सारे प्रोविजन रिपीट हो रहे हैं आपके, रिवीजन हो रहा है बेटा आपका अच्छे से, क्लियर। वो रिवीजन लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा इस तरह के आंसर्स को, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्विक लाने के लिए बेटा। ध्यान रखना आपको एग्जाम्स के अंदर कई बार क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है पर आपको क्लिक करना चाहिए फास्ट कि हाँ इसका आंसर ये है, कब कौन सा प्रोविजन लगने वाला है, कब कौन सा प्रोविजन अप्लाई करना, आपका माइंड बहुत एक्टिव होना चाहिए वहाँ पे, और माइंड में पॉइंट फास्ट कब आएगा, जब आपका रिवीजन बहुत इफेक्टिवली और अच्छे से हुआ है, वहाँ पे रिवीजन लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा बेटा, क्लियर। माहौल सर और हेल्प कर रहा है शायद आपको, हाउ मच अमाउंट ऑफ आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू इट्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन द मंथ ऑफ मई 2020, हाउ मच अमाउंट ऑफ आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू इट्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन द मंथ ऑफ मई 2020 बेटा। सर आपको पता है राजस्थान फैक्ट्री के लिए इसने मशीनरी नंबर 2 खरीदी थी जिसका आईटीसी 3 लाख रुपए लिया इसने बेटा, अब 3 लाख का जो आईटीसी लिया, सिंस वो कॉमन मशीन है, एक बार तो आईटीसी ले लेंगे, फिर कॉमन मशीन का क्या करते हैं, डिवाइड बाय 60 मंथ, तो डिवाइड बाय 60 मंथ करके अमाउंट है ₹5000 बेटा। अब 5000 जो है ये उस पर्टिकुलर मंथ के लिए एलोकेट हो गया मई 20 के लिए बेटा। अब मई 20 में कितना आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है, तो एग्जम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब सीन से केवल राजस्थान में काम आई, तो राजस्थान का एग्जम टर्नओवर, देखिए अगेन क्वेश्चन के टॉप पे आ गए हम बेटा। सर दो प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, ए इज टैक्सेबल व्हाइल बी इज एग्जम्प्ट, तो एग्जम्प्ट टर्नओवर कितना बेटा आपका मई महीने का, देखिए मई मंथ का एग्जम्प्ट टर्नओवर 4 लाख, मई मंथ का टर्नओवर कितना है 4 लाख, मल्टीप्लाई बाय 4 लाख डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, तो मई महीने का ए और बी का टर्नओवर कितना है 10 लाख। नागालैंड को इग्नोर करेंगे, एल्कोहल लेकर का टर्नओवर इग्नोर करेंगे, क्योंकि सर उस स्टेट के लिए मशीन खरीदी नहीं आपने, कॉमन काम आ रही ए और बी के लिए इस लोग, क्योंकि वो मशीन जो काम आ रही है वो राजस्थान प्रमेस में काम आ रही, तो राजस्थान इज अ सेपरेट रजिस्टर्ड एंटिटी, तो उसी का हम टर्नओवर देखेंगे बेटा। अब सर सेपरेट रजिस्टर्ड पर्सन बेटा ये, तो ए और बी का टर्नओवर 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, तो कुल मिला गया 2000, तो 2000 रुपये, तो 5 लाख, 5000 वॉज दी अमाउंट विच वॉज अलोकेटेड फॉर मई मंथ, मल्टीप्लाई बाय एग्जम टर्नओवर 4 लाख डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर 10 लाख, तो सर 2000 इज द अमाउंट विच इज लायबल टू बी एडेड इन योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बेटा। सो बी इज द करेक्ट आंसर बेटा, सो एमसीक्यू नंबर 4 का बी इज द करेक्ट आंसर, आई होप सर पॉइंट समझ में आया आपको। आइए एमसीक्यू नंबर 5, ओहो माहौल, लास्ट क्वेश्चन है इस केस स्टडी का। सर देखिए हर पॉइंट, हर एमसीक्यू बहुत अच्छा है, ये सारे एमसीक्यू मेरे को लगता है 2-2 मार्क के आने चाहिए बेटा। एक मेरे को ऐसा लगता है एग्जाम्स के लिए, जो मेरे को लगता है एक क्वेश्चन बनेगा 10 मार्क का एमसीक्यू का बेटा आपका, जो इस तरह का केस स्टडी बेस होगा जिसमें 5 क्वेश्चन पूछेंगे, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क का होगा, ऐसा मेरे को लगता है, क्लियर, ये ध्यान रखिए बेटा। अच्छा मेरे को ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम्स के लिए 2 MCQ पूछेंगे, वो 2 केस स्टडी बेस MCQ पूछेंगे, MCQ तो बहुत सारे होंगे पर केस स्टडी बेस 2 MCQ होंगे, एक होगा 10 मार्क का, मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है, जिसमें 5 MCQ होंगे, हर MCQ 2 मार्क का होगा, हो सकता है इसमें डिवाइड भी करते वो लोग, हो सकता है 1-2 MCQ 1-1 मार्क के पूछते, 10 मार्क का आएगा, और एक केस स्टडी आएगा जो मुझे लगता है 6 मार्क का, छोटा MCQ होगा जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे सर 2-2 मार्क के, हो सकता है ऐसा आए नहीं आए पता नहीं सर, ICAI की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। ओके MCQ नंबर 5, वॉट वुड हैड बीन योर आंसर इन MCQ नंबर 3 और 4 इफ योगी एंड सन्स अनलिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड हैड गॉट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर GST ऑन 1 अप्रैल 2020 इटसेल्फ। ओहो
मतलब लायबल टू रजिस्टर भले ही मई में हुआ, पर इसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कब करा दिया? 1 अप्रैल 2020 को, जब इसने बिजनेस कमेंस किया, मतलब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया। और जैसे ही आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराते हो, यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन, और 1 अप्रैल से आपको टैक्स लायबिलिटी शुरू हो जाती बेटा। क्लियर? तो आप ITC के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे बेटा। तो सर इसका क्वेश्चन क्या, वापस पढ़ना बेटा, व्हाट वुड हैड बीन योर आंसर इन MCQ नंबर 3 एंड 4 इफ योगी एंड सन्स अनलिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड हैड गॉट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर GST ऑन 1 अप्रैल 2020 इटसेल्फ। ओके, अब MCQ नंबर 3 देखिए बेटा, ध्यान से देखना, गलती नहीं हो जाए बेटा आपसे। इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 5 डेज, वो छोड़ो आप, हाउ मच अमाउंट ऑफ ITC इट कैन अवेल इन द मंथ ऑफ मई, मई महीने के लिए पूछा इसने बेटा। अप्रैल का भी क्रेडिट मिलेगा इसको, पर वो अप्रैल में ले लिया होगा इसने बेटा। मई महीने में कितना क्रेडिट लेगा? तो मई महीने में कौन सी मशीन खरीदी इसने बेटा? देखो, देखिए, 2 मशीन परचेस करी राजस्थान लोकेशन के लिए, नागालैंड लोकेशन के लिए। बहुत दर्द हो रहा कान, माहौल है सर। ओके सर, आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छा सर, माहौल सर। तो मशीन नंबर 3 नागालैंड स्टोर का है, उसका क्रेडिट की बात आती नहीं सर। मशीनरी नंबर 1 जो 1 अप्रैल को परचेस किया, उसका भी क्रेडिट मिलेगा, पर उसका क्रेडिट तो अप्रैल में ले लिया होगा अपने बेटा। MCQ ने पूछा है मई महीने में कितना क्रेडिट मिलेगा, तो अप्रैल वाली मशीन का क्रेडिट अप्रैल में लिया होगा, मई वाली मशीन का क्रेडिट मई में लेंगे, तो 3 लाख इज द अगेन आंसर। पर इसने 2 क्वेश्चन पूछा बेटा, सर व्हाट वुड हैड बीन योर आंसर इन MCQ नंबर 3 एंड 4। अब 4 ने क्या पूछा था? अच्छा, 3 का तो आंसर क्या, 3 लाख रुपये, जो इसका फर्स्ट आंसर होगा, एक आंसर होगा। क्लियर? अब सेकंड, हाउ मच अमाउंट ऑफ ITC is required to be added to its output tax liability in the month of May 20 बेटा। अब May 20 में output tax liability में कितना ऐड करना होगा? तो सर मई महीने में ITC लिया आपने 3 लाख का, अप्रैल में आपने ITC लिया था कितने का? 4 लाख का। देखिए बेटा, सॉरी, ये तो टर्नओवर है बेटा, सॉरी। यहां देखिए आप बेटा, सरकार मशीनरी 1 1 अप्रैल को आपने परचेज किया बेटा, उस पर GST क्या है 2 लाख का, ये 2 लाख का आपने ITC लिया होगा अप्रैल महीने में, मई महीने में आपने 3 लाख का GST पे किया मशीन पर, इसका भी आपने क्रेडिट लिया होगा बेटा। तो सर 3 लाख तो क्रेडिट आपने मई महीने में ले लिया, अब मई महीने में रिवर्स कितना करना, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में एड कितना करना है? तो सर 2 लाख का क्रेडिट आप ऑलरेडी ले लिया अप्रैल महीने में, उसको भी तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, 3 लाख का क्रेडिट आपने मई महीने में लिया, उसको भी डिवाइड बाय 60 करेंगे। तो आप चाहे दोनों को डिवाइड बाय 60 अलग अलग करें और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में अलग अलग ऐड करें, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट एक साथ कर दीजिए बेटा। तो 5 लाख, 2 लाख प्लस 3 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 60 मंथ कर दीजिए आप, तो 8333 आएगा। ये मई महीने के लिए एलोकेट हुआ अमाउंट वो है बेटा, मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए एग्जिम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। एग्जिम टर्नओवर कितना था बेटा आपका? एग्जिम टर्नओवर था मई महीने का, क्योंकि मई महीने का रिवर्सल देखना है, मई महीने का एग्जिम टर्नओवर था कितना बेटा? 4 लाख, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर कितना बेटा आपका? 6 लाख प्लस 4 लाख कितना होता बेटा? 10 लाख, डिवाइड बाय 10 कर दीजिए आप, तो 3333.333 आ रहा है। तो राउंड ऑफ करके 333, एक और 3, मतलब 4 बार 3, मतलब 3333, 3333 इज द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन द मंथ ऑफ मई, क्योंकि मई महीने जब हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगे अमाउंट को, तो वो अप्रैल वाली मशीन का भी तो रिवर्सल करना पड़ेगा, अप्रैल वाली मशीन का भी तो प्रोपोर्शनल अमाउंट मई महीने में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा, और मई वाली मशीन का भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में अमाउंट ऐड होगा। तो मई महीने में ITC लेंगे 3 लाख का और लायबिलिटी में ऐड करेंगे 3333। देखिए MCQ में कहां आंसर सही आ रहा है, MCQ नंबर 5 का आंसर नंबर 3, सी इज द करेक्ट आंसर, 3 लाख और 3333, सो सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ MCQ नंबर 4 खत्म होता है। अब आई होप सर मजा आ रहा है आपको, और सर माहौल एकदम, और सर आप पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस बनाते रहिए, और आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो। और हाँ, आप जब भी वीडियो के नीचे कमेंट लिखते हो, आप माहौल सरकार जो भी कॉम्प्लीमेंट लिखते हो, उससे मेरी एनर्जी डबल हो जाती है। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू फॉर योर लव, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, और MCQ आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, लव यू।